हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, निर्मला यादव ब्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज है, हाँ आज मैं सुबह बताई थी, आज मंगलवार है और 21 तारीख है। और अभी रात को 9:30 होने जा रहा है दोस्तों। मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सुबह एक वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा लगता है 5-6 शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ दोस्तों, और ब्लॉगिंग वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि इस टाइम वीडियो शूट कर लेती हूँ और सुबह डाल दूँगी। तो इसलिए देखती हूँ दोस्तों, अभी डाल पाती हूँ कि सुबह डालूँगी, देखा जाए, देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इतना काम था सुबह दोस्तों, जल्दी जल्दी काम किया। मेरा वीडियो भी नहीं देख कोई देखा है दोस्तों, बहुत कम लोग देखे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सालू के घर पे पूजा था और खूब ढेर सारा गाना डीजे बजाकर उन लोगों ने पूजा किया और डांस वगैरह किया। और मकान मालकिन को भूल गया, मैं बोली थी कि पूजा कराना तो हमको बुलाना, अपनी ननद लोग को बुलाई, मुझे नहीं बुलाई दोस्तों, क्योंकि उनकी ननद लोग का घर, उसके ननद का घर मेरे ही पास है दोस्तों, मेरे पड़ोसी ही हैं दोस्तों। वो गई थी और मुझे नहीं बुलाई सालू, मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। एनिवर्सरी में बुलाती है या नहीं बुलाती है भगवान जाने। तो दोस्तों समझाइए सालू को कि मकान मालकिन को भूल गई है, हैं ऐसे मकान मालकिन के भूल गई, कैसे भूल गई, मकान मालकिन भूली नहीं हूँ और वो भूल गई जाकर, मुझे एक दिन भी कॉल नहीं करती है। और यहाँ रोती थी, दीदी हम कैसे चले जाएंगे रोज मेरे लिए, दीदी आप रोइएगा, क्यों रोऊं दीदी, दीदी के लिए, दीदी को तो भूल गई जाकर, तो उसके लिए मैं क्यों रोऊं, है कि नहीं दोस्तों। रजनी तो भूल गई थी, ये भी भूल गई जाकर, रजनी भी लंबी लंबी बातें करती थी, हम दीदी आपको भूलेंगे नहीं, हमेशा फ़ोन करेंगे दीदी, और दोनों के दोनों जाके भूल गई। वीडियो बनाने में रहती है बस, क्या याद करेगी हम लोग को, बस रुपया छापने में रहती है तो मुझे क्यों याद करेगी। वैसे ऐसे सब्सक्राइबर लोग को याद करेगी ना, जो इनके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, है कि नहीं दोस्त, गिफ्ट लेके जाएंगे, भेज ढेर सारा मतलब, तो ऐसे ऐसे लोग को याद करेंगी ना दोस्तों। हमारे जैसे कंजूस मगन मालकिन को थोड़े ना याद करेगी, है कि नहीं दोस्तों। मैं भी दी थी दोस्तों गोद भराई में, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, इसलिए नहीं दी थी, मगर बाद में मैं दे दी थी उसको दोस्तों। और फिर भी मुझे भूल गई वो, समझ गए दोस्तों। और सुनिए आप लोग सब्सक्राइबर लोग, सालू के, सालू मुझे क्यों भूल गई, याद दिलाइए सालू को, मेरे घर में 2.5 साल तक रही है वो, और कैसे वो मुझे भूल गई, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ दोस्तों। मुझे बहुत याद आता है उन लोग का, उसके बच्चे का रोने का आहट मुझे महसूस होता है दोस्तों, और वो मुझे जाकर भूल गई, मैं उससे बात नहीं करूँगी दोस्तों। सुन रहे हैं उन सालू के सब्सक्राइबर लोग, सुन रहे हैं, मैं अब से बात नहीं करूंगी उससे और उसको फ़ोन भी नहीं करूंगी दोस्तों। कैसे वो मुझे भूल गई, बहुत मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने डांस की गाना बजा बजा कर और व्यूज बढ़ाई, हमको नहीं बुलाई, देखिए कि बुलाएंगे तो मकान मालकिन ऐसे भी आता, वीडियो बनाती थी बहुत कहते थे तो बनाती थी मेरे साथ वीडियो दोस्तों, और देखिए मुझे जाके भूल गई, इसीलिए नहीं बुलाई दोस्तों कि हम उसके साथ जाएंगे और डांस वगैरह करेंगे तो हमारा व्यूज बढ़ जाएगा दोस्तों, मैं भी एक पॉपुलर हो जाऊंगी, तो इसलिए मुझे बुलाई नहीं दोस्तों वो, हम जान रहे हैं ना, इसीलिए नहीं बुलाई है वो लोग। और साल ने पूजा वूजा करा करके एकदम फिट हो गई और खाना वाना बनाने लगी अब दोस्तों। मुझे क्यों याद करी है रजनी, रजनी भी बोलती थी बहुत बड़ी बड़ी बात बोलती थी, कल किए थे कॉल दोस्तों मगर बताई नहीं कि कन्हैया जी के घर पे पूजन है,
क्यों बगल में रहते पर मैं वो कथा नहीं सुनी तो मुझे कौन बुलाता है दोस्तों, बताओ ना दोस्तों। बगल में रहकर रजनी कथा नहीं सुनी, कन्हैया जी अकेले और सालू भी नहीं कथा सुनी है। ऐसे पूजा होता है दोस्तों, बताइए। ऐसे गृह प्रवेश होता है, पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर कथा सुनना चाहिए दोस्तों। भले क्यों ना उसके बच्चे छोटे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। वो तो दूध पिला सकती थी दोस्तों बैठा कर भी। हमारे मोहल्ले में भी हुआ था, एक जनी के बरही तो वो कथा कहवाए थे तो अपने बच्चे को दूध पिला के ही कथा कहवाए थे दोस्तों। उसको भी दूध पिला के ही कथा कहवाना चाहिए था ना दोस्तों। दोनों हस्बैंड वाइफ सुनते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना दोस्तों, बताइए है कि नहीं। अकेले अकेले सुन लिए कन्हैया जी, अपनी पत्नी को इनवाइट नहीं किए। अपनी पत्नी को तो इनवाइट किए ही नहीं, मुझे क्या इनवाइट करते, बताइए। समझ क्या है दोस्तों, सब ना अब प्रिया जाके भूल गई है मुझे। मुझे गुस्सा लग रहा है उन लोगों पर, मिलेगी ना तो दोनों जने के बाल उखाड़ूंगी। कैसे भूल गई सब लोग, अभी खबर लेती हूँ उन लोगों को कॉल करके कि कैसे तुम लोग भूल गई, सो गई क्या तुम लोग। गांव है ना दोस्तों, अच्छा लगता होगा गांव में। मैं भी जाती हूँ गांव पे तो खूब मस्ती करती हूँ दोस्तों। अपने मायके जाती हूँ तो, और ससुराल भी जाती हूँ तो ससुराल में भी खूब बड़ा सा खेत वगैरह आती है, घर है, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो मैं भी जाती हूँ तो खूब मस्ती करती हूँ दोस्तों। उल्लू को भी गांव मिला है, शहर में रही है, गांव मिला है। पहले जो गांव में रहती थी, एक दूसरे से जब प्यार करती थी, नैन मटक मिलाती थी दोनों लोग, तो सब गांव में रहती थी। शहर में आके रहने लगी, भूल गई, ढाई साल रही शहर में, वो मौज मस्ती मिला नहीं होगा इन लोग को। बहुत डर 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 कर वीडियो बनाना, बहुत डर डर कर बहुत। तो ये होता था ना दोस्तों, यहाँ रोक टोक होता था, अब वहाँ गांव पे रोक टोक नहीं होता होगा। तो इसलिए दोस्तों बहुत मस्ती कर रही है वो लोग। हम भी आएंगे उन लोग से मिलने के लिए, मगर अभी नहीं आएंगे। देखते हैं एनिवर्सरी में बुलाती है कि नहीं बुलाती है। अगर एनिवर्सरी में नहीं बुलाएगी तब मैं उसको बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी उसको, ठीक ना दोस्तों। तो आप सालू के सब्सक्राइबर लोग कमेंट कीजिए कि अपने मकान मालकिन को बुलाओ, और नहीं तो नहीं बुलाओगे तो मिलने आओ, ठीक है। मैं अभी वीडियो छोड़कर अभी मैं उससे बात करती हूँ कि वो मुझे कैसे भूल गई, कैसे भूल गई, अभी खबर लेती हूँ दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।